हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। फिर से आ गए हैं हम, और आज के क्लास में हम लोगों को साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशंस पर बात करनी है। साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस, पिछले क्लास में हम लोगों ने बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी के ऊपर काम किया था, वहां पर साइक्लोहेक्सेन की थोड़ी सी बात करी थी। हमने कहा था कि हम लोग मोस्टली साइक्लोहेक्सेन रिंग ऐसे बना लेते हैं, लेकिन ये रिंग ऐसा प्लेनर नहीं होता है, बल्कि कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि चार एटम्स प्लेन में, एक एटम प्लेन से ऊपर, एक एटम प्लेन से नीचे, तो इसको हम कहते हैं चेयर कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन। और इतना ही नहीं, ये भी पॉसिबल है कि चार एटम्स प्लेन में, एक एटम प्लेन से ऊपर और दूसरा एटम भी प्लेन से ऐसे ऊपर ही रहे, इसको हम लोग बोल्ट कन्फर्मेशन कहते हैं। बोट कंफर्मेशन, तो साइक्लोहेक्सेन का चेयर कंफर्मेशन, साइक्लोहेक्सेन का बोट कंफर्मेशन, कुछ और भी कंफर्मेशंस होते हैं साइक्लोहेक्सेन के, उसके बारे में हम लोगों को समझना है। चेयर वाले को चेयर क्यों कहते हैं, पिछले क्लास में भी बताया था। ये चेयर का बैठने वाला हिस्सा, इसको ऐसे कर दो, तो ये चेयर का बैठने वाला हिस्सा, ये पैर लटकाने वाला हिस्सा, और ये जिधर तुम सिर टिकाओगे कुछ वैसा, और ये बोट के जैसा दिख रहा है ना, बोट ऐसा ही होता है ना, ये बोट कुछ ऐसा ही होता है, तो कुछ कुछ बोट के जैसा दिख रहा है, सो जस्ट इसीलिए बोट कंफर्मेशन बोल रहे हैं। तो साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता है, नॉन प्लेनर होता है, चेयर कंफर्मेशन, बोट कंफर्मेशन, और दोनों ही जगहों पर। अगर ये मॉलिक्यूल प्लेनर होता तो ये एंगल 120 डिग्री का होना पड़ता, लेकिन मॉलिक्यूल अपनी प्लेनरिटी को लूज कर देता है और एंगल 109.5 डिग्री, एंगल 109.5 डिग्री, कोई एंगल स्ट्रेन न इसमें है न इसमें है। इन दोनों कन्फर्मेशन को मेरे को समझना है। ये हमने मॉडल बना रखा है, छह कार्बन एटम्स को हमने जोड़ रखा है, प्रत्येक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन या बॉल्स हमने नहीं लगाए, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, ऐसे साफ दिखता है। दो हाइड्रोजन सबके साथ दो दो हाइड्रोजन जोड़ दिए। और ध्यान देना, यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड के राउंड, जैसे अगर तुम यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर फोकस करो, देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड के राउंड थोड़ा रोटेशन हो रहा है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड के राउंड थोड़ा सा रोटेशन हो रहा है। हमने इसके लिए बहुत ही बढ़िया एनिमेशन बनाया है। एग्जैक्टली जब हम करीब हमको लगता है 5-6 साल पहले से, 7 साल पहले से मेरा चैनल चल रहा है, तो शुरू में हमने थोड़ा काम किया था, बीच में सो गए थे, अभी फिर जागे हैं, तो काम करने के लिए कंडीशंस अच्छे थे तो काम किया था, फिर बीच में कंडीशंस अच्छे नहीं थे तो काम नहीं कर पाए, फिर से अब कंडीशंस वापस अच्छे कर लिए और दोबारा अभी खराब होगा ही नहीं, मेरे को पता है। कंडीशंस मतलब ऐसे ही, ऐसी कोई मेरे को परेशानी नहीं थी, बस ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम जो है इतना अच्छा बन नहीं पा रहा था। कोशिश करते थे, तुम देखोगे बीच में जो मेरे वीडियोज है उनमें अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं आई है, कहीं हम नहीं अच्छे दिखते हैं, तो कहीं बोर्ड अच्छा नहीं दिखता है, कहीं दोनों नहीं अच्छे दिखते हैं, कहीं आवाज में इशू होता है। तो शुरू के लेक्चर्स थोड़े अच्छे थे, बीच के लेक्चर्स थोड़े खराब होने लगे, तो काम में मन नहीं लगता। अभी जो है हमने किसी तरह से फिर से सब सही कर लिया। तो फिलहाल इसके लिए पिछले वाले लेक्चर में हमने एक एनिमेशन भी बनाया था। पिछला वाला लेक्चर अपने आप में बहुत बढ़िया लेक्चर है, फिर भी मेरा मन था कि जब सब कुछ नया तो इसको भी नया क्यों ना बना दिया जाए। तो इसी चीज को एक एनिमेशन के थ्रू भी हम तुम्हें दिखाएंगे, जब ये हम सब सारी चीजें पढ़ा लेंगे तो लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में छोटा सा एनिमेशन जोड़ेंगे, वो तुम देखना। तो फिलहाल जो है ये छह एटम्स है, अब देखो ये चार एटम्स बिल्कुल प्लेन में, 1 2 3 4, चार एटम्स प्लेन में, ये दोनों देखो प्लेन से भी ऊपर है, दोनों प्लेन से ऊपर है। तो अगर इस चीज को तुम फील करो तो कुछ ये ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3 4 प्लेन में, एक ये ऊपर एक ये ऊपर, तो इसको भी ऊपर ले लिया, इसको भी ऊपर ले लिया, जोड़ दिया, हाइड्रोजन छुपे हुए हैं। हम यहां से थोड़ा रोटेशन कर दें, इस पोर्शन को थोड़ा पकड़ ले जोर से, ताकि इधर वाला पोर्शन ना रोटेट करे, इसको रोटेट करके ऐसे हम नीचे घुमा दें, ऐसे, तो ये गया नीचे, ये गया ऊपर, और 1 2 3 4 प्लेन में, या फिर हम इसको ऐसे ऊपर, ऐसे रोटेट करके ऊपर पहुंचा दें, और इसको जोर से पकड़ ले ताकि ये न हिलने डुलने पाए, और इसको रोटेट करके ऐसे यहां से नीचे उठा लाए, रोटेट करके नीचे उठा लाए, तो ये ऊपर है, ये नीचे है, और ये चार एटम्स एक प्लेन में है, तो ये हमारा चेयर वाला कंफर्मेशन। तो ये रोटेशन के थ्रू जो है चेयर और बोर्ड जो है वो बनता रहता है। फिलहाल हम लोग थोड़ा जो है मतलब इस चीज को तो समझ ही गए, ये छह एटम्स प्लेन में नहीं रहते हैं, बल्कि चार एटम्स प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, भूल जाओ मॉडल को, जस्ट ऑन पेपर कैसे बात करेंगे उस पर आ जाओ। चार एटम्स प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, चेयर कंफर्मेशन।
चार एटम्स प्लेन में, दोनों ऊपर, बोट कंफर्मेशन, यही वाला एंड। इसको कह दो यहां से थोड़ा ऊपर उठा दो, अभी उठाओगे ऊपर उठाओगे तो कह दो ऐसा सिचुएशन आ गया, ठीक, ऐसा सिचुएशन आ गया। फिर थोड़ा और ऊपर उठाया तो फिर ऐसा सिचुएशन आ गया, फिर थोड़ा और ऊपर उठाया तो ऐसा सिचुएशन आ गया, फिर थोड़ा और ऊपर उठाया तो ऐसा सिचुएशन आ गया। तो पहले ऐसे था, अब ऐसे है, ठीक, 1 2 3 4 5। तो यहां से यहां तक इसको ऐसे नीचे, जैसे मेरा हाथ ऐसे नीचे लटका हुआ है, इसको वैसे ऊपर उठाते चले जाए, उठाते चले जाए, उठाते चले जाए, ऐसे हो जाएगा ना। तो कुछ वही चीज, पहले ये नीचे ऐसे लटका हुआ, फिर इसको उठा करके ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ दिए, ऊपर की तरफ मोड़ दिए तो चेयर कंफर्मेशन से बोट कंफर्मेशन हो गया। और ये सब हो कैसे रहा है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से हो रहा है। एनिमेशन में समझाएंगे, मैं आप फालतू बात पच्ची नहीं कर रहे, एनिमेशन में इसको सीधा तुम समझोगे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से हो रहा है। साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन को समझने के लिए ये हमारी तरफ से एक छोटा सा एनिमेशन। यहाँ पर सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन को पहचानो। छः बॉल्स हमने छः कार्बन एटम्स के लिए बना रखे हैं और सभी बॉल्स के साथ दो दो बैगनी कलर के स्टिक्स जोड़ रखे हैं जो दो हाइड्रोजन एटम को प्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये कन्फर्म करना है, क्या सभी कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में हैं? तो आंसर है नहीं, सभी एक ही प्लेन में नहीं है। चारों ग्रीन वाले एक प्लेन में माने जा सकते हैं, जबकि ये येलो वाला प्लेन से बाहर है और ये भी प्लेन से बाहर है। तो सिर्फ चार कार्बन एटम्स प्लेन में हैं, जबकि दो प्लेन से अंदर और बाहर है। और ऐसा इसलिए है ताकि कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल जो है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है, उसको टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास ही मेंटेन किया जा सके। अब दूसरा चीज़ तुम्हें यह समझना है कि ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन, ठीक है, और चेयर कन्फर्मेशन बोट कन्फर्मेशन में, फिर बोट कन्फर्मेशन चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये चेयर जैसा दिखाई पड़ रहा है, ओके, अभी जब कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगा तो ये बोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जरा देखो, ये बोट में कन्वर्ट हो गया, फिर से रोटेशन हुआ, फिर से चेयर में कन्वर्ट हो गया। तो चेयर बोट, चेयर बोट, चेयर बोट, चेयर बोट, तो इस तरह से चेयर और बोट एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। और ये सब कैसे हो रहा है? रोटेशन के कारण हो रहा है। और रोटेशन इस वाले व्यू में तुम्हें अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो थोड़ा सा हम मॉलिक्यूल को घुमाते हैं। जरा इधर से ऐसे देखो, और अब जरा देखो चेयर और बोट कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड देखो रोटेशन हो रहा है, और उसी रोटेशन की वजह से ये बोट हो गया, फिर ये चेयर हो गया, ये बोट हो गया, फिर ये चेयर हो गया। हम कंफर्म करा देते हैं, देखो ये बोट है और ये चेयर है। चेयर को जरा एक बार पहचानो इस व्यू में, ओके, चेयर है, नो कन्फ्यूजन। और बोट को जरा पहचानो, ये बोट है, ओके, बोट। तो बोट एंड चेयर कैसे आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन रोटेशन के कारण ये सब पॉसिबल हो पा रहा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता रहता है, उसी से चेयर कन्फर्मेशन और बोट कन्फर्मेशन एक दूसरे में बदलते रहते हैं। अब कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो देखो ये चेयर कन्फर्मेशन में क्या है, सभी एटम्स या सभी ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे के स्टैगर्ड पोजीशन में है। स्टैगर्ड पोजीशन में रिपल्सन कम होता है और इसीलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और जब हमारा बोट कन्फर्मेशन आता है तो सभी जो है इक्लिप्स्ड हो जाते हैं, और इक्लिप्स्ड होने की वजह से स्टेबिलिटी जो है कम हो जाएगी और एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, चेयर में स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है इसीलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और बोट में इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होता है और इसीलिए स्टेबिलिटी कम होती है। और इन दोनों के बीच में दो कन्फर्मेशन हमें और भी पहचानने हैं, ट्विस्टेड बोट एंड हाफ चेयर। तो ये बोट है, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया हमने, ओके, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, रिपल्सन थोड़ा सा कम हो जाएगा और सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बोट और ट्विस्टेड बोट में बोट वाला थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा कम स्टेबल होता है, ट्विस्टेड बोट थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है। और चेयर और हाफ चेयर जरा देखो, ये है चेयर, और जब ये ठीक बीचों बीच में होता है, मतलब ऊपर पहुँचा नहीं है पूरी तरह से, ठीक बीचों बीच में है रोटेट करके, इसी को हम बोलते हैं हाफ चेयर। और हाफ चेयर में होता क्या है कि पांच एटम्स बिल्कुल एक प्लेन में होते हैं। ये जो चार
ग्रीन कलर के कार्बन एटम्स हैं ये चारों, और ये जो येलो कलर वाला कार्बन एटम है ये पांचों एक ही प्लेन में होते हैं, और एक ही प्लेन में होने की वजह से बॉन्ड एंगल पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट रह नहीं पाता है। इसके अलावा रिपल्सन भी काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पर, और इन सब वजहों से जो हमारा हाफ चेयर है ये सबसे कम स्टेबल होता है। तो हाफ चेयर, चेयर, बोट और ट्विस्टेड बोट, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से आ रहा है। और एक बार हम सब कुछ तुम्हें हाइड्रोजन्स को हटा करके दिखाना चाहते हैं। ये हाइड्रोजन्स होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम इन हाइड्रोजन्स को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं ताकि देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, पूरा फोकस रिंग पर हो सके कि कैसे रिंग को, रिंग किस तरह से मॉडिफाई हो रहा है। और कहीं हाइड्रोजन बचा? एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ है, इनको भी हम हटाते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये क्या है हमारा? बोट कन्फर्मेशन, सॉरी चेयर कन्फर्मेशन, और जब रोटेशन हुआ तो बोट में कन्वर्ट हो गया, फिर से चेयर, फिर से बोट, फिर से चेयर, फिर से बोट आता जाएगा, और सबसे स्टेबल चेयर, बोट की स्टेबिलिटी कम है जब ये थोड़ा सा ट्विस्टेड पोजीशन में होता है। ओके, थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाता है कुछ इस तरह से, ट्विस्टेड बोट में स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि रिपल्सन कम हो गया। और हाफ चेयर कहाँ होगा? ये देखो, ये है हाफ चेयर। ओके, ये हमारा हाफ चेयर है कि पांच एटम्स बिल्कुल एक प्लेन में है, पांच एटम्स बिल्कुल एक ही प्लेन में है, ये हाफ चेयर है, और एक एटम जो है प्लेन से बाहर है, और ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कन्फर्मेशन है। तो एनिमेशन यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अब जो है साइक्लोहेक्सेन तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करेगा, कभी तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। आराम से साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन सब तुम बना सकते हो, और किसी को भी समझा सकते हो कि कौन वाला ज़्यादा स्टेबल है, कौन वाला कम स्टेबल है, और ये कन्फर्मेशन आपस में कन्वर्ट कैसे होते हैं। तो ये कन्फर्मेशन चेयर कन्फर्मेशन, चेयर कन्फर्मेशन, फिर ये कन्फर्मेशन बोट कन्फर्मेशन। जब ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा ना, ये वाला तो बिल्कुल ऐसे ऊपर है और ये बिल्कुल इसी प्लेन में है, ना तो प्लेन से नीचे ना तो प्लेन से ऊपर, बिल्कुल प्लेन में। इसको हाफ चेयर बोलते हैं। हाफ चेयर में एक दो तीन चार पांच, पांचवा आइटम भी प्लेन में आ गया है, और पांचवा आइटम को प्लेन में लाने में बड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए लीस्ट स्टेबल होता है ये। ठीक, चेयर मोस्ट स्टेबल। क्यों मोस्ट स्टेबल? बहुत ही सिंपल सी बात है, दोनों की दूरी बहुत ज्यादा है तो स्टेबल होगा ही होगा, यहां पर दूरी कम है तो ये लेस स्टेबल होगा, बोट इज लेस स्टेबल। और हाफ चेयर पांच एटम्स को एक ही प्लेन में एडजस्ट करना है, लीस्ट स्टेबल। और जैसे ये बोट बना हुआ है ना, तो ये वाला क्या है, बिल्कुल इसके सामने है, जैसे ये मॉडल में हम एक बार मे भी समझ में आ जाए, मे भी ना समझ में आए, तो ये बिल्कुल ऐसे सामने, ये वाला इसके ठीक सामने है। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे, थोड़ा सा इसको ऐसे ट्विस्ट कर देना, जबरदस्ती ऐसे ट्विस्ट कर दे या ऐसे ट्विस्ट कर दे, तो ऐसे ट्विस्ट या ऐसे ट्विस्ट कर देने पर क्या होगा, ये दोनों थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाएंगे, दाएं बाएं हो जाएंगे तो एक दूसरे को धमकी नहीं देंगे, एक दूसरे के साथ मारपीट नहीं करेंगे। तो हम इसको इसके साथ फिर एक ऐसे बनाते हैं, ये लाइन ऐसे ही रखो, ये लाइन थोड़ा ऐसे ना बना करके थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, मतलब थोड़ा ट्विस्ट करा दिया है कुछ ऐसा, यहाँ दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल पैरेलल बनाएंगे और यहाँ लाइंस को थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देते हैं, तो अच्छे से टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट। तो यहां इन दोनों के बीच में जितना रिपल्सन है, यहां पर इन दोनों के बीच में उतना रिपल्सन नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी मोर स्टेबल देन बोट। हालांकि 11th 12th ITJEE नीट इन सब में इतना डीप हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, इनफैक्ट ये लेक्चर ही में भी तुमको जरूरत ही ना पड़े, फिर भी हमने थोड़ा सा पढ़ाया क्योंकि कभी कभी थोड़ी सी कोई अंटेसेंटे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया तो जरूरत पड़ जाती है, अदरवाइज ये स्पेशली जो है हमारे लेक्चर को ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी देखते रहते हैं, तो ये उनके लिए स्पेशली है कि अगर उनको जरूरत पड़े तो वो यहाँ से उसको उठा सके। चेयर कन्फर्मेशन,
बोल्ट कंफर्मेशन, हाफ चेयर कंफर्मेशन, स्टेट बोर्ड कंफर्मेशन, साइक्लोहेक्सेन के ये चार कंफर्मेशन को पहचानते हैं। और जैसा हम लोगों ने बाकी के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी थी कि देयर आर इनफाइनाइट कंफर्मेशन, तो वैसे ही यहाँ पर भी इसके भी इनफाइनाइट कंफर्मेशन होंगे, जिनमें से मेरे को चार कंफर्मेशन पे थोड़ी नजर रखनी है, मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल और ये दोनों बीच में आएंगे। इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम। तो बस मेरे को साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मेशन पर इतनी ही बात करनी थी। दैट्स ऑल, फिर मिलेंगे दूसरी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।